रोहतक में दो बहनों की बहादुरी ने एक नई मिसाल कायम कर दी। वैसे तो आजकल लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की बातें आम हो गई हैं, लेकिन लगता है कि अब लड़कियों ने इससे निपटने का बेड़ा खुद उठाने के लिए कमर कस ली है। हुआ यूं कि रोहतक में चलती बस में सब लोगों के सामने तीन मंचलों ने दो बहनों पूजा और आरती को छेड़ने की कोशिश की। इस बीच ना तो किसी यात्री ने ही उन लड़कों को कुछ कहा और ना ही ड्राइवर और कंडक्टर ने, लेकिन इन दोनों बहनों ने हार नहीं मानी और तीनों मंचलों से लड़कर मुंह तोड़ जवाब दिया। तीनों मंचलों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बस चला रहे ड्राइवर और कंडक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, तीनों लड़कों ने सेना में भर्ती होने का आवेदन दिया था। इस घटना के पता चलते ही उनका आवेदन भी रद्द कर दिया गया, लेकिन दोनों बहनों की बहादुरी का इनाम उन्हें मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दोनों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा और उनकी बहादुरी के लिए 30,000 के इनाम की घोषणा भी। अब मंचलों को ये समझ लेना चाहिए कि लड़कियां उनसे कमजोर नहीं और अब जवाब देने के लिए तैयार हैं। त्रिवेंद्र भारद्वाज, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।